नमस्कार दोस्तों मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट अपने इनकम टैक्स के केसेस की के सीरीज़ में जो आप लोगों के साथ आज केस डिस्कस करने जा रहा हूँ वो इनकम टैक्स रिफंड के ऊपर है ये बहुत ही इस केस के द्वारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉ निकल के आया जो कि कोर्ट ने डिसाइड किया केस का नाम है एच टैंक टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ये केस जो है वो केरला कोर्ट ने डिसाइड किया इस केस के तथ्य इस तरीके से हैं इस केस में एस ने अपनी ओरिजिनल रिटर्न 15 मई 2003 को फाइल की उसके बाद एस ने उस रिटर्न के मुताबिक अपना जो रिफंड था वो अट्ठासी हज़ार कुछ का रिफंड था जो कि एस ने अपना क्लेम किया और डिपार्टमेंट ने वो रिफंड दे भी दिया फिर उसके बाद एस ने अपनी रिवाइज रिटर्न फाइल करी उसको लगा कि भाई उससे कोई गलती हो गई है और उसने 22 मार्च 2004 को अपनी रिवाइज रिटर्न फाइल करी जिसके मुताबिक उसका रिफंड एक करोड़ सत्तर लाख बनता था थोड़े टाइम बाद एस को ये लगा कि उससे एक ट्वेंटी बी फॉर्म होता है जो कि जब भी एस का मैट में टैक्स बनता है कुछ टैक्स बनता है तो एस को एक फॉर्म ट्वेंटी बी फाइल करना होता है जो कि एस ने सात सेप्टेम्बर दो को फाइल किया जहाँ तक इनकम टैक्स रिफ़ंड की बात थी तो डिपार्टमेंट को रिफंड में किसी चीज़ की तकलीफ नहीं थी डिपार्टमेंट ने जो रिफंड था बढ़ा हुआ रिफंड भी एसएससी को दे दिया एक करोड़ सत्तर लाख रुपए। और यहाँ पे लड़ाई जो थी वो इंटरेस्ट की थी कि एसएससी को जो इंटरेस्ट है बढ़े हुए रिफंड पे, वो ओरिजिनल रिटर्न की डेट से मिलना चाहिए रिवाइज्ड रिटर्न की डेट से मिलना चाहिए या जब एसएससी ने अपनी सारी जिम्मेवारियों का निर्वाह किया सात सितंबर 2006 को जब उसने अपना 29 बी फॉर्म भी फाइल कर दिया तब से मिलना चाहिए ये मैटर जो असेसिंग ऑफिसर साहब थे उन्होंने कहा नहीं साहब ये तो 29 बी फॉर्म से मिलना चाहिए उनका यह लॉजिक था कि क्योंकि असेसिंग ऑफिसर जब तक कि 29 बी फॉर्म नहीं फाइल होता तब तक वो ये डिटर्मिन नहीं कर सकते कि एस का कितना टैक्स बना या रिफंड बना तो उन्होंने इस डेट को जो है अपील का पत्थर माना मैटर जो है असिस्टेंट सी आई टी अपील्स आपके पास गया फिर आई टी आई टी गया और अल्टीमेटली जो है केरला हाई कोर्ट ने अपना वर्डिक दिया केरला हाई कोर्ट ने कोशिश करी कि एक बहुत बैलेंस्ड डिसीज़न देने की यहाँ पे केरला हाई कोर्ट ने कहा कि जो रिफंड है जो इंटरेस्ट है रिफंड पे ना तो वो ओरिजिनल डेट से बनता और ना ही जब से बनता जब से एस ने अपना ट्वेंटी बी फॉर्म फाइल किया केरला कोर्ट ने कहा कि एस का रिफंड तब बनता है उस डेट से बनता है इंटरेस्ट जब से एस ने अपनी रिवाइज रिटर्न फाइल करी केरला हाई कोर्ट के दो लॉजिक थे इस बात को कहने के एक तो उन्होंने कहा कि जो भी डिले हुआ है वो एस की गलती की वजह से हुआ है इसीलिए एस को जो रिफंड है वो रिवाइज रिटर्न से मिलना चाहिए अब डिपार्टमेंट को इस पर भी तकलीफ थी डिपार्टमेंट कह रहा था नहीं साहब ये तो ट्वेंटी नाइन बी से मिलना चाहिए क्योंकि जो 29 बी है जब तक 29 बी एसएससी फाइल नहीं करेगा जब तक जो है वो हमको कैसे पता चलेगा कि एसएससी का कितना टैक्स बनता है लेकिन इस केस में एक और महत्वपूर्ण बात यह हुई थी कि एसएससी के 29 बी फाइल करने से पहले ही डिपार्टमेंट ने 143 फोर्टी वन का इंटीमेशन दे करके एसएससी का रिफ़ंड डिटर्मिन कर दिया था तो एस ने कहा सब साहब जब मेरे ट्वेंटी बी फाइल करने से पहले ही आपने मेरा रिफंड डिटर्मिन कर दिया तो इसका मतलब ये है कि मे आपका रिफ़ंड डिटरमिन करना मेरे 29 बी पर निर्भर नहीं करता इसलिए आ, जो डिपार्टमेंट बात कह रहा था कि रिफ़ंड जो है आ, जो इंटरेस्ट है वो सात सितंबर 2006 से मिलना चाहिए वो बात सही नहीं है तो इस केस में केरला हाई कोर्ट ने एक बड़ा बैलेंस्ड सा डिसीजन देने की कोशिश करी जहाँ पर डिपार्टमेंट की बात को नहीं माना कि साहब नहीं जी जब इन्होंने बाद में ट्वेंटी नाइन बी फाइल किया मैं तब से इंटरेस्ट दूंगा उस बात को भी नहीं माना और एसएससी की बात को भी नहीं माना कि साहब मेरी ओरिजिनल रिटर्न से मुझे इंटरेस्ट दे दो तो डिपार्टमेंट केरला हाई कोर्ट ने एक बीच का रास्ता निकालते हुए और ये कहते हुए कि रिवाइज रिटर्न फाइल करना जो है वो एस की वजह से है और इसलिए जो, जो है ये रिफंड जो ये इंटरेस्ट जो है वो रिवाइज डेट की रिटर्न से एस को मिलेगा दोस्तों विद ड्यू रिगार्ड टू द हाई कोर्ट मेरा इसमें एक ये मानना है कि यदि एसएससी ने कि माना कि एसएससी की गलती है लेकिन यदि हम आर्टिकल दो कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ें तो वो कहता है कि नो टैक्स कैन बी कलेक्टेड और लेविड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ द लॉ और टैक्स में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट भी आता है तो हालांकि चाहे एस ने गलती करी उसकी गलती की वजह से उसके जो इंटरेस्ट को जो है कम नहीं किया जाना चाहिए और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो एस को जो इंटरेस्ट मिलना चाहिए था वो ओरिजिनल रेट से ही मिलना चाहिए था फ्रेंड्स आई मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये केस पसंद आया होगा और आपको अपने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने में इस केस की वजह से काफ़ी आप लोगों को मदद मिलेगी आई होप दैट यू विल लाइक द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस केस थैंक यू फ्रेंड्स नमस्कार